साथियों, अब हम पहुंच गए हैं नागणेश्चा मंदिर नगाणा। तो आइए आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। ये जो राजपूत समाज है, राठौड़, उनकी कुलदेवी है यहाँ पर। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं, माता रानी के दर्शन करवाएंगे। नागणेची माता सूर्यवंशी राजपूत की कुलदेवी है। इतिहास की बात करें तो राव सियोजी के पुत्र राव दुहड़ एक बार कन्नौज गए, जहां पर राठौड़ का राजा था। उस वक्त इन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जिले में माता नागणेची मंदिर की स्थापना की। अब जोधपुर की संस्थापक राव जोधा ने विक्रम संवत 1523 में मेहरगढ़ में भी नागणेची माता मंदिर की स्थापना की। जोधपुर राज्य के ख्यात में लिखा है कि राव दुहड़ विक्रम संवत 1248 ज्येष्ठ सुदी 13 को कर्नाटक देश सुकुल देवी चक्रेश्वरी सोनारी मूरत लाए, ने गांव नगाणे थापत की भी। हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी के लिए जवान मुस्तैद, और ये जो जिनको हम धूणा बोलते हैं, अखंड जोत जलती रहती है यहाँ पे। माता रानी की प्रसाद यहाँ पे परोसी जाती है इस धूणे में, और यहाँ से हमने मंगलसूत्र बंधवा कर मांग ली। धागा सूत्र नाल यहाँ पे बंधवा कर माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। और ये देखिए, ये जो भगत जी हैं, ये अपना कार्य निपुणता से करते हुए जोधपुर संस्थापक राव जोधा ने विक्रम संवत 1523 में मेहरगढ़ में भी नागणेची माता मंदिर की स्थापना की। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव दुहड़ विक्रम संवत 1248 ज्येष्ठ सुदी 13 को कर्नाटक देश सुकुल देवी चक्रेश्वरी सोनारी मूर्त ने गांव नगाणेचे थापे की। तिनसु नगाणेचे कहाई मूर्ति में सिंह पर सवार नगाणेची के मस्तक पर नाग फण फैलाए, मनसा देवी, राठेश्वरी और पुंखणी माता भी कहते हैं। राठौड़ वंश की कुलदेवी का मुख्य मंदिर बाड़मेर जिले में है, कल्याणपुर के पास नगाणा गांव में स्थित है, जहां पे हम आए हुए हैं। यहां पे सभी दोस्तों ने नाल रक्षा सूत्र बंधवाया। अब हम आपको माता रानी के दर्शन करवाने के लिए ले चलते हैं। यह मंदिर जोधपुर से 96 किलोमीटर दूर है। ये देखिए महल, ताज महल, एक महल की तरह कितना सुंदर माता रानी का दरबार। नागणेची माता की महर्षि मर्दनी महिष मर्दनी का स्वरूप है। बाज या चील का उनका प्रतीक चिन्ह है, जो मारवाड़ यानी बीकानेर तथा किशनगढ़ रियासत के झंडों पर देखा जा सकता है। देखिए सोने चांदी कुरेदी गई है, इतनी अच्छी विख्यात कलाकारी यहाँ पे देखी हमने। हम आपको अच्छे से सब कुछ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए आप, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान। जब हम अंदर की तरफ चले हैं, कितना भव्य है माता रानी का दरबार।
मंदिर अभी बन रहा है, आप भी देखिए ऊपर की तरफ झूमर कितनी अच्छी कलाकृति की गई है, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम। तो बताया जाता है कि नागणेची देवी जोधपुर राज्य की कुलदेवी थी, क्योंकि इस देवी का निवास स्थान नीम के वृक्ष के नीचे माना जाता था। देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, हम आपको इतिहास धीरे धीरे बताते रहेंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जोधपुर में नीम के वृक्ष का आदर किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो देवी जी हैं उनका निवास था नीम के वृक्ष के नीचे माना जाता है। तो नीम के वृक्ष का आदर किया जाता है यहाँ पे, और उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। यही परंपरा राठौर वंश के राजपूत ज्यादातर गांवों में आज भी निभा रहे हैं। माता रानी के आप दर्शन कीजिए। चल रहा है यहाँ पे जो कारीगर हैं इतने अच्छे से अपनी मेहनत के बलबूते से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए आप इनकी कलाकृति, जिस तरह से हमारे रामलला जी के मंदिर का कार्य काफी दिन से चल रहा है, इसी प्रकार से मां नागणी के मंदिर का कार्य भी
काफी अच्छे से हमने आपको मंदिर ये देखिए आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया ये मंदिर जो पूरा बनने जा रहा है उसका मॉडल उसका स्वरूप इस प्रकार से माता रानी का भव्य दरबार माता रानी का एक किलानुमा ये महल ये मंदिर बनके तैयार होगा जिसका हम आपको दिखा रहे थे कि काम भी चल रहा है धीरे धीरे। तो जब हम आगे कभी माता रानी क्या क्या होगी हम आएंगे तो इस प्रकार से हम इस मंदिर के स्वरूप को देखेंगे इस भव्य मंदिर में विराजमान माता रानी नागनी जी जब कभी भी आएंगे तो इसी प्रकार से मंदिर का स्वरूप होगा। तो साथियों हमने आपको अच्छे से मंदिर की हर एक वस्तु मंदिर का हर एक कोना अच्छे से दिखाने का प्रयास किया। अब हम इस पावन तीर्थ यात्रा से अब हम अपने गांव सुहासरा की तरफ हरियाणा की तरफ रवाना होंगे और हम माता रानी से हमने यही प्रार्थना की है कि आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ कुशल मंगल रहें। हम भगवान से माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। अच्छे से हमने आपकी माता रानी का दर्शन करवाने का प्रयास किया। अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे और हम जाते जाते हम आपको दिखा रहे हैं देखिए ये कारीगर दोबारा से कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं कितना प्रयास कर रहे हैं माता रानी के भव्य दरबार को और भव्य बनाने के लिए। बहुत ही हरी भरी हरियाली व शांति खुशहाली का प्रतीक माँ नागणी जी देवी जोधपुर। तो साथियों अब हम आपको जब हमारी यहाँ गाड़ी पार्क कर रखी है वहाँ चलेंगे तो वहाँ पे जो मार्केट है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जाते जाते दोबारा से हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप खुश रहे स्वस्थ रहे। जय हो नागणी जी माता आपकी सदा ही जय हो। ये देखिए मेन दरबार यहाँ से हमने एंट्री की और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये देखिए यहाँ की मार्केट यहाँ का जो बाजार लगा हुआ है यहाँ से दोस्तों ने हमने खरीदारी की। राजपूत वंश के चिन्ह माता रानी की प्रतिमाएं यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए आप तो आइए साथियों अब चलते हैं। जय श्री राम जय नागणी जी माता आपकी सदा ही जय हो। तो साथियों पहुंच गए हैं कनॉट माता मंदिर के बिल्कुल नजदीक। अब आपको हम आगे माता रानी के दर्शन करवाएंगे सभी दोस्तों के साथ। बोलो तनोट माता मंदिर धाम की जय हो। साथियों आइए अब आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो साथियों आइए पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। ये विश्व विख्यात तनोट माता मंदिर जैसलमेर राज्य में जो है जो सामने दिख रहा है आपको ये देखिए यहाँ के बाजार दुकानें यहाँ से हमने प्रसाद ली और हम आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। माता रानी के इतिहास में 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान में मंदिर आसपास में लगभग 3,000 से 3,500 बम बरसाए थे। उनमें से 450 गोले जो बम मंदिर परिसर में गिरे किंतु मंदिर को खरोच भी नहीं आई। इसी प्रकार
1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कुपाश शत्रु के सैकड़ों टंक भारतीय फौजों ने नस्तानाबूद कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गया। श्री माता तनोट राय भारतीय सैनिकों को वे सुरक्षा बलों के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है और यहाँ पे वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित कर दी और इस मंदिर की पूजा अर्चना की सारी व्यवस्था हमारे फौजी भाइयों ने अपने ऊपर ली। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन संचालन VS ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए विश्व विख्यात मंदिर मातेश्वरी श्री तनोट देवी माता। अब हम आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। बहुत दूर दूर से भगत जन आते हैं। चमत्कार को नमस्कार इसी को कहते हैं साथियों। ये हमारे शुभ चिंतक, हमारे देश के नौजवान, इनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। ये सरहदों पे रहकर हमें सुख चैन सभी इनकी वजह से मिल रहा है। सैल्यूट करते हैं हम इन्हें। ये देखिए यहाँ पे जो LED बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, इनमें माता रानी के दर्शन के लिए बिल्कुल लाइव यहाँ से दर्शन कर सकते हैं आप। ये कुआ है, यहाँ पे जो प्रसाद लेते हैं उनमें एक रुमाल होता है, चुनरी होती है, वहाँ पे यहाँ भक्त आते हैं और ये चुनरी रुमाल यहाँ पे बांधते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये जूता चप्पल रखने का स्टैंड है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप आएं, यहाँ पे जूता चप्पल रखें और लाइन में लगें, माता रानी के दर्शन करें। का पहनावा साफा धोती कुर्ता, ये देखिए। तो आइए अब हम मातेश्वरी जी के दर्शन करें। तनोट माता जैसलमेर राजस्थान। वैसे तो राजस्थान की कण कण में भगवान निवास करते हैं। पीछे भी हमने आपको बताया बहुत से धार्मिक स्थल है यहाँ पे। बॉर्डर पे स्थित बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हम इतने दूर से माता रानी के दर्शन करने आए। Thank you.
तो आइए अब हम आपको धीरे धीरे माता रानी के समक्ष ले चलते हैं, और हम यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो 1965 और 71 की लड़ाई में जो बम बरसाए गए थे वो जो कहते हो यहाँ पे रखे हैं। देखिए पीछे भक्तजनों की भीड़, इस मंदिर के आसपास पाकिस्तान के टैंकों से निकलने बम जो फटे नहीं थे, इन बमों को आज भी मंदिर में सहेज कर रखा गया है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए हमारे अमित शाह जी, ये भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे पहले। धीरे धीरे माता रानी की त्रिशूल, बीएसएफ के जवान। अब हम आपको उन बमों की तरफ ले चलते हैं जो माता रानी के परिसर में, मंदिर परिसर में जो बिल्कुल फटे नहीं, जो के त्यों रखे गए समृति चिन्ह। यहाँ पे देखिए स्वाई श्री गुमान सिंह जी, ये देखिए आप, इन बमों को आज भी मंदिर परिसर में सहेज कर रखा गया है। ये वो बम है, ये माता रानी का चमत्कार ही है जो भक्त जनों को खींचे ले आता है। और बताया जाता है कि इस चमत्कार, जब ये चमत्कार हुआ तो पाकिस्तान की जो फौज के जो कमांडर थे वो भी माता रानी के समक्ष उन्होंने अपने हथियार डाले थे, और उन्होंने क्षमा याचना की थी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और वो माता रानी को छत्र, चांदी का छत्र चलाने के लिए यहाँ पे आए। वो छत्र भी हम आपको दिखाएंगे। 1965 भारत पाक के युद्ध की कुछ झलकियाँ देखिए आप, हमारे वीर योद्धा बार बार बता रहे हैं हम, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ये देखिए वो बम, जो हमने आपको बताया कि 1965 के बार बार यही बता रहे हैं, युद्ध में पाकिस्तान द्वारा 3,000 से 4,000 गोले दागे गए थे और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई उस युद्ध की, और विजय हमारी हुई उस युद्ध में। तो उसकी कुछ झलकियां हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से दिखाने की, क्योंकि हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ माता रानी के दर्शन के लिए, तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आप देख सकें। ये देखिए आप, ये योद्धा हमारे भैरव सिंह जी राठौड़, बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित माता रानी का मंदिर। ये हमारे जवान, ये बार बार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर को खरोंच तक नहीं आने दी माता रानी ने, इसीलिए इतने दूर दूर से भगत जन दौड़े चले आते हैं। ये देखिए भारत पाक में हार के उपरांत पाकिस्तान ब्रिगेडियर सहनवाज खान द्वारा, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, छत्र जिनको यहाँ पे सहेज के रखा गया है, वो आए और इन माता रानी के चरणों में क्षमा याचना की, और माता रानी को ये चांदी का छत्र उन्होंने भेंट किया जिनको सजा कर रखा गया है। तनोट माता के चमत्कार को नमन। हमारे देश के जवान
यहाँ की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में पूजा अर्चना से लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी भी वो सुरक्षा करते हैं और मंदिर की भी साफ सफाई में विशेष ध्यान रखते हैं। हम धीरे धीरे ये माता रानी की आरती का साजो सामान धीरे धीरे माता रानी के दर्शन के लिए हम आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। महादेव ये देखिए बाप, जो सामने पंखा लगा हुआ है, घंटी लगी हुई है, बिल्कुल सामने माता रानी का दर्शन करवाएंगे आपको। भोले बाबा के दर्शन कीजिए, महादेव जी के। आप सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन करेंगे, आप भी सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। जब भी कभी जैसलमेर जाने का इरादा हो तो आप जरूर माता रानी के दर्शन के लिए जाएं। बहुत दूर दूर से भक्त जन आते हैं, ये देखिए आप। प्यारा सजा है मातनो देवी का दरबार, ये देखिए। यहाँ पे हमारे फौजी भाई यहाँ की सेवा भाव मिलीन, यहाँ के पुजारी जी और सभी की सहायता करते हुए प्रसाद वितरित के लिए बॉर्डर पे भी हमारी रक्षा करते हैं, मंदिर में भी सेवा दान करते हैं। ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए आप बिल्कुल नजदीक से। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बिल्कुल वीडियो को अच्छे से दिखाएं, ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सकें और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अर्जी लगा सकें। तनोट आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अच्छे से दर्शन करिए। देखिए झमाझम सजा है माता रानी का दरबार, फूलों की महक से बहुत ही मंत्रमुग्ध यहाँ पर सुगंधित माता रानी का दरबार। पुराने साहित्य के अनुसार तनोट माता हिंगलाज माता की अवतार है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। भाटी राजपूत नरेश तनुराव ने 828 ईस्वी में तनोट का मंदिर बनाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी तथा जैसलमेर के जो आस पड़ोसी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो तनोट माता की पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो बॉर्डर पे माता रानी के भक्त दौड़े चले आते हैं, तो वो चमत्कार के कारण माता रानी का प्यार माता रानी का दुलार उन्हें खींचे चले ले आता है कि हम सभी ने यहाँ पे दोस्तों ने माता रानी के दर्शन किए। ये देखिए कितनी ज्यादा माता रानी के बच्चों की भीड़, माता रानी के भक्तों की भीड़। यहाँ के फौजी भाई से मैंने आग्रह किया, विनती की कि भाई साहब मेरे को छोटी सी वीडियो ज्यादा देर तक बनाने दें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है आप अच्छे से बनाओ। सभी दोस्त कुछ आगे की तरफ निकल गए।
आते हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ की रिवाज, यहाँ का विश्वास, देखिए ये सभी यहाँ पर। स्टार्टिंग में हमने आपको वो कुआं दिखाया था, वहाँ पे भी लोग अपनी अरदास लेकर जाते हैं, और यहाँ पर भी माता रानी का जो प्रसाद में हमें रुमाल, माता रानी की चुनरी मिलती है वो बांधते हैं, और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद खोलने आते हैं। देखिए आप, बहुत दूर दूर से भगत जन दौड़े चले आते हैं माता रानी की प्यारा आशीर्वाद लेने के लिए। अब हम मंदिर परिसर के बाहर की तरफ चलेंगे, और वहां पे जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है अपना, वो दिखाएंगे, दिखाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। देखिए कितना आस्था का प्रतीक है माता रानी, जो दजा और ये रुमाल है, हजारों लाखों की संख्या में बंधे हुए हैं, इनमें विश्वास की डोर बंधी हुई है आप और हम जैसों की, तभी इतनी दूर दूर से भगत जन माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर से बाहर की तरफ जब हम निकलते हैं तो देखिए सामने जगह है जहां से हम लाइन में लगे थे, बिल्कुल जहां भी देखोगे आप हमारे भारत के नौजवान, हमारे देश के रक्षक फौजी भाई। देखिए यहां से मैं अंदर बार जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, अब बाहर की तरफ चलते हैं, जूते चंपल। ये देखिए बार बार हम आपको यही बता रहे हैं, मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की साफ सफाई, ये प्राचीन कुआं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से हर एक चीज दिखाई जाए जो यहाँ पे माता रानी के दरबार में स्थित है। कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ के जो भगत जन है उनमें आपस में प्यार प्रेम भी बहुत है, कोई भी धक्का मुक्की नहीं है कि भाई मैं पहले दर्शन करूं
कोई बात नहीं है, कोई लेडीज है उसके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उनको पहले की तरफ बोलते हैं कि ठीक है उसमें कीजिए। देखिए मात्र अप्लाई विश्वविख्यात मंदिर मातेश्वरी श्री तनोटराई तनोट जैसलमेर। ये इतिहास हम आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ की हर एक वस्तु को अच्छे से दिखाने का प्रयास। रेगिस्तान जहां माता रानी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए और यहाँ की आस्था संगम के प्रति लोगों का कितना प्यार है ये आपने देखा। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, राजस्थानी कल्चर भी देखने को मिलता है। देखिए राजस्थान में तो हम हैं ही तो राजस्थान का कल्चर तो देखने को मिलेगा ही, ये तो बिल्कुल साफ ही दिखता है। ये देखिए सुरक्षा के माध्यम से हमारे पास राजस्थान पुलिस के जवान सुरक्षा में मुस्तैद। तो आइए अब हम आपको आगे की तरफ सफर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों के साथ सलाम मशवरा करके देखा जाएगा कि कहाँ कौन सी साइड अब घूमने को चलते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए अब हम आपको ये देखिए सामने जो ये हमारे हिंदुस्तान की चौकी है, ये उधर पाकिस्तान की, ये बिल्कुल बॉर्डर का रास्ता है। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। दूर दूर तक जहां भी आप देख रहे हैं कि सोलर प्लेट के द्वारा यहाँ पे लाइटें प्रज्वलित होती हैं, क्योंकि बिजली से अच्छा स्रोत सोलर प्लेट
के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा। तो आइए अब हम आपको जैसलमेर ले चलते हैं। रास्ते में पीछे जो वीडियो में हमने दिखाया रेत के टीले, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, बिल्कुल साफ यहाँ का वातावरण, शुद्ध वातावरण। सफर दोस्तों के साथ, पानी की राजस्थान में हर जगह बहुत सी ऐसी जगह हैं, हरी भरी हरियाली, और बहुत सी जहाँ पे रेतीली जमीन है, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे सूखा भी है। ये देखिए दीवार, ये दीवारें, ये जो रेत के टीले हैं, ये रोड पे नहीं आए, इसीलिए दीवारें बनाई गई हैं ताकि हमारे आने जाने में सुखद हो, रास्ता सही से हो, अच्छे से हो, इसीलिए साइड में ये दीवारें बनाई गई हैं। यहाँ पे हमें बहुत से अच्छे अच्छे पेड़, हरी भरी हरियाली देखने को मिली, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। पानी का यहाँ पे पानी की सुविधा है, इसलिए यहाँ पे हरी भरी हरियाली है। जब आगे हम धीरे धीरे हम आपको आगे ले चलेंगे, बहुत ही बंजर भूमि भी आएगी, कटीली झाड़ियों के सिवाय वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रास्ते का सफर तय करते हुए आइए चलते हैं। बार बार हम बता रहे हैं आपको, टीलों की तरह यहाँ पे रेत के टीले, पहाड़ों की तरह ये दोबारा से हमें देखने को मिलेंगे। देखिए देखिए आप, रेत ही रेत, इतने बड़े बड़े टीले हैं रेत के। सबसे अच्छा हमें ये लगा, यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और सुखद सफर है। ये देखिए दूर दूर तक कितने बड़े बड़े रेत के टीले हैं। हम आपको जैसलमेर का जो विख्यात सेम गांव है वहां पे ले चलेंगे। वहां पे जो थार राइडिंग है और ऊंट की जो सवारी है, और वहां पे पैरासूट में जो ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा का विख्यात केंद्र। ये साथियों हम पहुंच गए हैं लोंगे वाला बॉर्डर। यहाँ पे हम आपको यहाँ के वीर सिपाही की गाथा कमया खान के बारे में बताएंगे। अपनी आजादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे हमारे वीर योद्धा। ले चलते हैं सिपाही जगजीत सिंह जी, जिन्होंने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीर बहादुरी देखिए, उनके बंकर इधर देखिए,
जिन्होंने, ये देखिए यहाँ पे, जिन्होंने हमारी सुरक्षा, हमारी देश की रक्षा करते करते शहीद को प्राप्त हुए, बहुत ही महान, वो खुद बहुत ही महान, उनको जन्म देने वाली वो माता पिता, उनको हम बार बार सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम आपको RCL जीफ 106 MM रिकॉइल्स राइफल का इस्तेमाल दुश्मनों के टैंक के खिलाफ किया जाता था। सन 1965 और 1971 की जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इसको जीफ के ऊपर लगाया जाता था। ये देखिए जो जीफ हम आपको बता रहे हैं, ये वो जीफ है जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करती थी। अब हम आपको जो पाकिस्तानी टैंक है, जो युद्ध के समय यहाँ पे दुश्मन छोड़ के भाग निकले थे, वो भी दिखाएंगे इस बॉर्डर पे। हमारे योद्धाओं की वीर गाथा का बहुत ही शानदार परिचय है। ये देखिए, ये रास्ता आगे चौकी की तरफ जाता है बॉर्डर पे। देखिए सामने जो पोस्ट देख रहे हैं आप, जूम करके दिखाया जा रहा है आपको। अब हम आपको इस जो पाकिस्तानी टैंकर है उधर को ले चलेंगे। ये देखिए आप, अब हम आपको आगे की तरफ ले चलेंगे। यहाँ की याद, साथियों आइए, ये आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की। अब आगे की यात्रा,